सोशल मीडिया मुर्दाबाद। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है बल्कि उन्हें आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। कृषि कानून जाहिर सी बात है, मैं आर्ट साइड से न्यू कॉमर्स साइड से हूँ, तो कॉमर्स वाले को तो और पता होना चाहिए। कॉमर्स वालों का ऐसा है ही नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। ये इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो? आप तब के सरकार से लेते रहिए, अपने गले में लटकाते रहिए। और मीडिया का काम है वो खबरों को रिपोर्ट करे। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात मीडिया में घटे कुछ मजेदार किस्सों की करेंगे। गोदी मीडिया सरकार से भले ही सवाल न करे पर विपक्ष से सवाल करना नहीं चुकता। हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के आम का जिक्र किया, जिस पर मीडिया राहुल गांधी की आलोचना करने लगा। उससे पहले आपको राहुल गांधी की एक ऐसी बात सुनवाते हैं जो उन्होंने यूं ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह दी। राहुल गांधी का आम प्रेम, राहुल गांधी की आम वाली ये खास बात। लेकिन उन्हीं के भाई राहुल गांधी को यूपी के आम पसंद नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद राहुल गांधी ने ये कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के नहीं आंध्रा के आम पसंद है। यही नहीं, इससे पहले भी केरल से चुनाव लड़ते वक्त राहुल गांधी ने यूपी की तुलना केरल से करते हुए केरल के लोगों को ज्यादा समझदार बताया था। कोई आपसे पूछे कि क्या स्वाद का सियासत से कोई रिश्ता है तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी के टेस्ट ने यूपी की सियासत को खट्टा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है बल्कि उन्हें आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। इसके बाद तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्वादानुसार सियासत शुरू हो गई। मीडिया अक्सर किसान आंदोलन को लेकर गलत टिप्पणी करता है जिस वजह से किसान गोदी मीडिया का विरोध करते हैं। जी न्यूज के एंकर अमन चोपड़ा किसान संसद को कवर करने पहुंचे तो किसानों ने उनका विरोध किया। अमन चोपड़ा वहां से ही अपनी डिबेट भी कर रहे थे, आप खुद देखिए। सकता है कई बार मन में एक सपना होता है, उस सपने को पूरे करने के लिए संसद के अंदर तो नहीं जा पाए, उससे थोड़ी दूरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनसे पूछेंगे कि काला क्या है तो ये नहीं बताएंगे। काली इनकी नियत है। जो कहते थे कि राजनीतिक नहीं है ये प्रदर्शन, आज पूरी तरह से ये राजनीतिक हो गया है। और पीछे से आप देखिए किस तरह से राजनीतिक दल सामने आने की हिम्मत तो नहीं रखते, पीछे से समर्थन। जी न्यूज के पत्रकार ने राकेश टिकैत से उनके भाषणों को लेकर सवाल किए और कुछ टिप्पणी भी की, जिस पर राकेश टिकैत ने पत्रकार को सुना दिया। आप किसानों के बड़े नेता हैं, आपके सामने आपके लोग यहाँ पर हमसे बात करने। आप अपने चैनल सुनो, देखो दो चैनल है, आप उसमें सुधार कर लो, जो हम बयान देते हैं आप उसको चाल लो। इसलिए हम आपको बयान नहीं देना चाहते कि आप गलत बयानबाजी करते हो। जिस तरह से अभी आपने सामने देखा यहाँ पे किस तरह से लोग, पिछले 6 महीने से आपका चैनल गलत दिखा। मैं डकैत हूँ? आप किसी आदमी को सरेआम डकैत कहोगे? मेरा नाम तो और 1200 साल से हमारे फैमिली तो टिकैत लिखती है, आप हमको डकैत लिखते हो, तो हमें सी से ऐतराज है। आप ना लिखो, आप जो हम कह रहे हैं आप छाप दो, आपको विज्ञापन सरकार से लेना आप ले लो, लेते रहो, लेकिन आप सही चीज तो दिखाओ। आपकी इमेज ठीक नहीं है गाँव ले आते। जब हमने नहीं ऐसा नहीं, जी हिंदुस्तान अपने ग्रहमान में जानके। जब News 24 के पत्रकार ने एक युवा से किसान आंदोलन के बारे में पूछा तो वह आलोचना करने लगा। जब एंकर ने कृषि कानून के बारे में पूछा तो वो चुप हो गया। किसान है, देखो मैं बता रहा हूँ, जो संसद में बिल पास होता है, संसद में बिल ऐसे ही पास नहीं होता, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि किसान, ये किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए हैं, पैसों से आए होंगे, ये राजतंत्र है, ये पैसों से आए हैं। मैं बता रहा हूँ राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, मैं बता रहा हूँ क्या राजतंत्र। ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, हाँ बंदे बुलाए गए, राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझे समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से। ये जो किसानों का जो मुद्दा है ये पहले ही था, अब खत्म हो गया, कि बीच में किसान कहने लग गए CAA का मुद्दा। ठीक है, ये किसानों का CAA का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो? यार कहाँ किसान, अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा, आप करते क्या हो? जी मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ाई? जी। तो क्या पढ़ा किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में? कृषि कानून जाहिर सी बात है, मैं आर्ट साइड से न्यू कॉमर्स साइड से हूँ,
तो कॉमर्स वाले को तो और पता होना चाहिए। कॉमर्स वालों का ऐसा है ही नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। ये इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो? तो अपनी उम्र से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, 12वीं में अभी पढ़ रहे हो जी। किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल वसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, उसी में है सब में। यही तो दिक्कत है। चल दिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक RTI के माध्यम से पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापनों पर 160 करोड़ खर्च किए, जिसमें सबसे ज्यादा विज्ञापन न्यूज 18 इंडिया को दिए गए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। इस पर लोगों ने अमीश देवगन को ट्रोल किया, जिसके बाद अमीश देवगन फटके अंदाज में नजर आए। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया अपना काम करता है, अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और ये कमजोरी की निशानी। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिका हुआ है, और यहां पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक पूरा वो पूरा गैंग चलाता है कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन, हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। आई एम अपॉल्ड, आई फील सॉरी फॉर दोस पीपल। कभी किसी टेलीफोन कंपनी को बीच में लेके आते हैं, क्या मतलब है? देश के अंदर अगर आपको वार करना है तो आपको देश के पूंजीपति मिलते हैं वार करने के लिए, क्यों आपको वार अमेज़न पे नहीं होता? सिपाही का कार्य है सरहद की रक्षा करना, किसान का काम है कि वो अनाज पैदा करे, टीचर का काम है वो देश का भविष्य तय करे, और मीडिया का काम है वो खबरों को रिपोर्ट करे। न्यूज नेशन की एक डिबेट में एंकर दीपक चौरसिया ने कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा पर टिप्पणी की, जिस पर अलका लांबा ने करारा जवाब दिया। देखिए डिबेट। ये मैं बता रहा हूँ अलका जी, आपकी रणनीति की मैं इसको आपकी रणनीति की विशुद्ध मूर्खता कहूंगा। अलका लांबा जी, अगर कोई आपके यहाँ ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है तो ये विशुद्ध मूर्खता है। नहीं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट दीपक जी नहीं चाहिए। आप तब के सरकार से लेते रहिए, अपने गले में लटकाते रहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये वो कांग्रेस है 135 साल की। दीपक जी, अगर आप सिर्फ बलबा जी से बदतमीजी सुनने आए हैं तो आप उनसे बुलवा लीजिए, मैं तो बोलने का मौका ही नहीं। मैं सर्टिफिकेट देता भी नहीं और मेरी सर्टिफिकेट देने की औकात भी नहीं है, पर मैं आपको पब्लिक परसेप्शन समझा रहा हूँ, जो पब्लिक महसूस कर रही है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। पब्लिक क्या महसूस करती है? जो पब्लिक महसूस कर रही है वो बता रहा हूँ। जमीन पर जाइए, आप चैनल छोड़कर जमीन पर जाइए। जमीन पे आदमी क्या सोच रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान है, बेरोजगार है, वो आपको समझ आएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप गोदी मीडिया को लेकर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे के साथ। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।